नमस्कार सबकी नजर में आप सभी का स्वागत है। खबर जनपद जौनपुर से आ रही है, जहां पर सांसद बीपी सरोज के जनता दर्शन में किसानों की बड़ी समस्या का हुआ समाधान। किसानों के चेहरे पर दिखी मुस्कान, सांसद का जताया किसानों ने आभार। जी हां, उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मछलीशाह लोकसभा के सांसद बीपी सरोज के पैतृक आवास मुगरा बादशाहपुर विधानसभा के मादरडीह में प्रतिदिन सांसद बीपी सरोज द्वारा जनता दर्शन का आयोजन किया जाता है। जनता दर्शन में मछलीशाह लोकसभा ही नहीं, कई क्षेत्रों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। सांसद बीपी सरोज बिना किसी भेदभाव और जात धर्म से हटकर सभी को एक समान सम्मान के साथ उनकी समस्याओं का समाधान तत्काल संबंधित अधिकारियों के माध्यम से दूर कराते हैं। ऐसा ही नज़ारा गत शुक्रवार को देखने को मिला, जब दूर दराज से आए हुए लोगों ने अपनी समस्याओं को जनता दर्शन में सांसद बीपी सरोज के समक्ष रखा तो सांसद जी ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए समस्याओं का समाधान कराया। उसी क्रम में किराकत विधानसभा जनपद जौनपुर से कुछ किसान अपनी समस्याओं को लेकर आए थे, जो काफ़ी जटिल था, लेकिन सांसद बीपी सरोज के आश्वासन और जिलाधिकारी जौनपुर के नाम पत्र दिए जाने पर किसानों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। मामला था कांडला से गोरखपुर गैस पाइपलाइन परियोजना का, जहां पर किसानों के खेत से पाइपलाइन बिछाई जा रही है। एक एयर में 10 वर्ग मीटर होता है, लेकिन कंपनी द्वारा एक एयर में 100 वर्ग मीटर जमीन किसानों से ले रही है। किसानों को एयर वर्ग मीटर में गजट और नोटिस दी गई और अवार्ड में हेक्टेयर अंकित किया जा रहा है, जबकि किसानों का कहना है कि जो गजट और नोटिस में अंकित है वही अवार्ड में अंकित होना चाहिए। जैसी तमाम समस्याएं थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए सांसद बीपी सरोज ने जिलाधिकारी जौनपुर के नाम पत्र लिखकर किसानों को दिया। जिलाधिकारी के नाम का पत्र पाते ही किसानों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली और किसानों ने सांसद जी का आभार जताया कि आज बीपी सरोज जैसे सांसद नहीं होते तो हम लोग जेल की सलाखों में होते। सबकी नज़र के लिए सर्वेश तिवारी के साथ SS पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नज़र और मैं हूं SS पांडे। आज सबकी नज़र की टीम पहुंची है सांसद बीपी सरोज, जो मछलीशाह लोकसभा के सांसद, उनके आवास पर, जहां पर जनता दरबार लगाया जाता है। और उसी जनता दरबार में किराकत से तमाम लोग आए हुए हैं अपनी जो है पीड़ा को लेकर के। गैस पाइपलाइन जो परियोजना चल रही है, उस परियोजना के तहत किसानों की जो जमीन ली गई थी वो मानक के विपरीत था, और आपने सभी अधिकारियों के पास गए, चाहे वो तहसीलदार हो चाहे वो DM हो, कि सबके पास गए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जब सांसद बीपी सरोज जी के पास आए तो आपका काम हुआ या नहीं हुआ, आइए उन्हीं के जुबानी से सुन लेते हैं। क्या शुभ नाम है? सचिंद सिंह, ग्राम बढ़ी। क्या मामला क्या था, पूरा ही बताइए आप। मामला ये कांडला से गोरखपुर गैस पाइपलाइन जा रही है और इसमें किसानों की जमीन ली जा रही है, और कंपनी जो है एक एयर में 10 वर्ग मीटर का पैमाना हमारे तहसील और जिले पे ये चलता है, और एक एयर में 100 वर्ग मीटर जमीन ये किसानों से ले रहे हैं। हमने इसका जवाब मांगा तो अभी हम लोगों को कोई जवाब नहीं मिला। तो माननीय सांसद जी गए, कौन सांसद? बीपी सरोज जी। हम लोग के यहाँ गए और जाके वहाँ पे चौपाल लगाया इन्होंने, SDM साहब को बुलाया और कहा कि भाई ये किसानों के साथ गलत हो रहा है, इसको आप सही करिए। और आज जो है लेटर बना के DM महोदय को उन्होंने दिया है, और उसमें हमारी मांगे हैं एक एयर में 10 वर्ग मीटर होता है, कंपनी द्वारा एक एयर में 100 वर्ग मीटर की जमीन किसानों से ले रही है। दूसरी है, किसानों को एयर वर्ग मीटर में गजट व नोटिस दी गई और अवार्ड में हेक्टेयर अंकित किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि जो गजट एवं नोटिस में अंकित है वही अवार्ड में अंकित होना चाहिए। एयर वर्ग मीटर में कंपनी द्वारा गजट कराई गई तो किसानों को वर्ग मीटर का मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत कंपनी हेक्टेयर का मुआवजा दे रही है। हेक्टेयर का मुआवजा देने के लिए कंपनी हेक्टेयर में गजट कराए और गजट के यार नोटिस भी दे उसका, और कंपनी द्वारा किसानों की जमीन पर जब से क्या कार्य कर रही है तब से जितनी फसल का नुकसान किसानों का हो रहा है, जितने क्षेत्रफल में पाइपलाइन जा रही है उतने क्षेत्रफल का किसानों को मुआवजा देना चाहिए, जो कि किसान इससे वंचित है और नहीं मिल पा रहा है। और इसीलिए हम लोग आज सांसद बीपी सरोज जी के यहाँ हम लोग जनता दरबार में आए हैं, हाजिर लगाए हैं, और उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को लेटर लिखा है, और हम लोग जाते समय जिलाधिकारी को अवगत कराएंगे और लेटर देते हुए हम लोग फिर जाएंगे।
बड़ी दूर से सुबह सुबह आप जो है सांसद जी के जनता दरबार में आप लोग पहुंच गए। फिराकत जो एक बॉर्डर पड़ता है, कहाँ का बॉर्डर है? ये गाजीपुर, गाजीपुर का बॉर्डर है। वहाँ से इतनी दूर से बताइए आप, सांसद बीपी सरोज के आवास, पैतृक आवास मुगराबासापुर विधानसभा क्षेत्र के मादाडीह में पहुंचे हैं, और जब यहाँ पहुंचे हैं तो सांसद जी ने आपको लेटर इशू कर दिया है। क्या मुआवजा की क्या मांग थी, क्या हुआ? अभी तो सांसद जी ने लेटर दिया है, और इससे पहले हमारे यहाँ SDM महोदय किराकत के बार बार जाके पुलिस फोर्स लेके जाके धमकाना कि काम नहीं करने देगे तो तुम लोगों का चालान कर दिया जाएगा, इस तरह की धमकी। तो सांसद जी महोदय पहुँचे तो जाके इस सब चीज़ों से हम लोगों को निजात मिली, क्योंकि हम लोग सांसद महोदय से कहे सर हम लोग पाकिट मार चोरू चक्के नहीं है जो कि हम लोगों को जेल में बंद कर दिया जाए। हम लोग किसान हैं, किसी का ले नहीं रहे हैं, और हम लोग जो जमीन जिस पैमाने पे दे रहे हैं तो उस पैमाने पे हम लोग को दिया भी जाए। लेकिन कंपनी की ओर लेने का कार्य कर रही है वो लोग, और वो कार्य हमारे SDM महोदय दिलाने का कार्य कर रहे हैं, और वही पैमाने पे मैं जमीन मांग रहा हूँ तो हमको नहीं मिल रही। यानी देखा जाए तो मतलब आपकी जमीन, किसानों की जमीन भी ले रहे हैं, ऊपर से सीना चोरी, चोरी ऊपर से सीना चोरी, मतलब SDM साहब धमकी भी दे रहे हैं। अगर सांसद बीपी सरोज जैसे सांसद नहीं होते आज किसानों का क्या हालात होता? सब बहुत बहुत बुरा हाल। हम लोगों की इज्जत दांव पे लगी थी, और सांसद जी नहीं पहुंचते तो उस दिन हम लोगों को जेल जाना पड़ता, और हमारे प्लाट पे जबरदस्ती काम करा दिया गया होता फोर्स लगा के। जी आपका सुन मैम। हमारा नाम धीरज सिंह है, और हम किराकत विधानसभा से माननीय सांसद जी का धन्यवाद देने के लिए आए थे, क्योंकि डेढ़ माह पूर्व हमारे यहाँ गैस पाइपलाइन के खोदे गए गड्ढे में एक युवती गिर के मरी थी, जिसके लिए कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उनके घर गए सिर्फ चमकाना धमकाना, ये कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। माननीय सांसद जी आए और उन्होंने उचित मुआवजा कंपनी के द्वारा और सरकार द्वारा उस बच्ची के परिजनों को दिलाए, उसके लिए माननीय सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए आए थे, और बस यही। यानी कोई भी काम है तो अधिकारी ना सुने, लेकिन जब सांसद जी के जनता दरबार में पहुंच जाते हैं तो मामले को हल कर दिया जाता है। आपका क्या नाम है? शिव कुमार सिंह। आप कहाँ, किराकत से? डीरी बारी किराकत से। जी तो जो उम्मीद लेके आए थे सांसद जी के यहाँ, हाँ पूरा हुआ। जी भैया क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार सिंह जी। डीरी बारी जो उम्मीद लेकर आए थे वो पूरा हुआ। जी जी जी। तो अभी आपने देखा किस तरीके से तमाम किराकत जो विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं वहाँ से जो गाजीपुर का बॉर्डर है, सुबह सुबह गाजीपुर आजमगढ़ और बनारस तीनों बॉर्डर है, उतनी दूर से लोग आए हैं, और किसानों की समस्या आपकी, मतलब आप लोग किसान हैं, आपकी समस्या गैस पाइपलाइन परियोजना जो चल रही है वो लेकर के, जमीन जो ले रहे थे वो मानक के हिसाब से पैसे नहीं दे रहे थे, कम पैसे दे रहे थे, लेकिन जब सांसद बीपी सरोज के जनता दरबार में आप लोग पहुंचे, सांसद बीपी सरोज स्वयं वहां गए और वहां चौपाल लगाकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया, और आज जैसा आप लोगों ने बताया कि लेटर भी जिलाधिकारी महोदय जौनपुर जो है जौनपुर के नाम पर लेटर भी इशू किया है। यानी देखा जाए तो सांसद अगर हो तो बीपी सरोज जैसा ही होना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ के जो किसान आए हुए हैं, जो यहाँ की पब्लिक आए हुए हैं, जनता दरबार में फरियादी जो आए हुए हैं, इनकी आवाज है। तो सबकी नजर भी अपील करता है कि ऐसे सांसद चुन कर आए जो क्षेत्र में जनता की सेवा करें और किसानों के हित के लिए कार्य करें। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं SS पांडे, मुगराबासापुर जौनपुर। इसी के साथ साथ जैसे अभी आपने देखा कि किराकत विधानसभा के तमाम मुद्दे आए किसानों का लेकर के और तमाम मुद्दे, और उसी के साथ साथ किराकत विधानसभा से एक और फरियादी हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? राम सिरोमर जी आए हुए हैं। आपका कहना है कि मैं बेहद गरीब हूं और हमारे पास कोई कमाई का साधन नहीं है, भूमिहीन है, हमारे पास कोई अन्न लेने का भी स्थान नहीं है, यानी राशन कार्ड भी नहीं है। तो आप सांसद महोदय जी के पास, सांसद बीपी सरोज जी के पास आए और अपनी फरियाद लेके आए। सांसद जी ने कहा कि आप इतना देर क्यों कर दिए, आपको पहले आ जाना चाहिए था, और जैसे ही आपने समस्या बताया, आपकी समस्या को सुन करके तत्काल आपकी समस्या का निदान कराया। क्या कराया आइए खुद सुन लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम शिरोमणि है। आज सांसद जी के यहाँ आप आए, बीपी सरोज जी के यहाँ, क्या फरियाद लेके आए थे आप? मैं उनको अपना कष्ट बताया, मेरे पास कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं था, BPL कार्ड होता तो मेरा राशन का चलता है, और आयुष्मान भारत कार्ड का मिल जाता तो वो इलाज करता पत्नी का और अपना, और उन्होंने आश्वासन दिया और लेटर लिख के दिया। लेटर आज बना दिए हैं हम, लेटर बना दिए हैं, ये लेटर बना दिए हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि सांसद जी का ये लेटर है और उसमें लिखा गया है कि इनका जो है BPL कार्ड इशू किया जाए। तो ऐसे सांसद
जो जनता की सेवा में समर्पित हैं। क्या कहना चाह रहे हैं ऐसे सांसद जी को? बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, भगवान इनको ऐसा ही बनाए रखें और लोगों का जनता का सेवा करें, यही अपेक्षा करता हूँ। यानी ऐसे सांसद को आने वाले समय मंत्री होना चाहिए। मंत्री होना चाहिए, होना। नमस्कार, मैं हूँ SS पांडे, आप देख रहे हैं सबकी नजर। आज हमारे बीच में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लोकसभा मछलीशहर के सांसद BP सरोज जी, आइए आपसे बात करते हैं। आपके पास अभी हमने देखा जनता दरबार में, जनता दरबार ही लगा हुआ था, इसके बाद सांसद जी से बात करने के लिए हम लोग आए हैं, 2 मिनट का समय लिए हैं। और आपके जनता दरबार में तमाम फरियादी जहां पे आए, वहीं पर गाजीपुर, आजमगढ़ और बनारस के बॉर्डर यानी किराकत जो बॉर्डर पड़ता है किराकत, उतनी दूर से लोग सुबह सुबह सर्दी में आए थे और अपनी पीड़ा लेके आए थे। गैस पाइपलाइन परियोजना जो जा रही है उसमें मानक के विपरीत उन लोगों को मुआवजा देने की बात हो रही थी, लेकिन जब सांसद जी के पास वो मामला गया और सांसद जी सुने तो वहां पर स्वयं जाकर के आपने चौपाल लगाया। चौपाल लगाने के बाद आपने उनकी पीड़ा को सुना और क्या कुछ कहा, अधिकारियों के लिए क्या लेटर दिया, आइए सांसद जी से बात कर लेते हैं। सांसद जी स्वागत है आपका सपेयर में। अभी आपके पास तमाम किसान आए हुए थे किराकत से, बड़ी दूर से आए थे, तो क्या उनको आश्वासन दिया? जी, ये 90 किलोमीटर दूर से ये करीब सुबह मेरे पास 7 बजे यहाँ पर आए और सभी लोगों को मैं सम्मान पूर्वक उनकी बातों को सुना और मैं वहाँ मढ़ी गांव में गया भी था जो परियोजना का इस पाइपलाइन की चल रही है, उसमें एक विश्वकर्मा समाज की बच्ची डूब करके मर गई थी, इतना खड्डा छोड़ दिया गया था। तो उस विभाग के द्वारा मैंने उस परिवार को आर्थिक मदद भी दिलाया, सरकार की तरफ से भी हमने कहा है, SDM को, जिला अधिकारी से भी मेरी बात हुई है और संभवतः 2-3 दिन के अंदर उसके अकाउंट में, उसके पिताजी के अकाउंट में 4 लाख रुपया वहां भी मिल जाएगा। जो किसान के मुआवजे की बात है, वहां पर काफी संख्या में किसान इकट्ठे हुए थे, करीब 400-500 लोग वहां पर थे। तो जो ये लोगों का मामला था तो इनके हिसाब से जो ये केयर में कितना जो एरिया होना चाहिए, ये इनका पैमाना कुछ अलग ढंग से है, जो किसान सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं या इनका पैमाना गलत है। इस विषय में मैंने जिलाधिकारी महोदय को लेटर अभी लिखा हूं और किसान लेकर के गए हैं, जिलाधिकारी को देने का काम करेंगे और हमारे जिलाधिकारी जिस ढंग से काम कर रहे हैं, बेहतर, मेरे हिसाब से तो बेहतर ही काम कर रहे हैं और किसानों की जो समस्या है उसको भी सुलझाने का काम करेंगे, ऐसा मुझको पूरा विश्वास है। और किसान जो है अपनी समस्या को जब उनको अवगत कराएंगे, मेरा पत्र भी देंगे, तो हमको लगता है कि जब ये साथ में बैठक होगी, किसान भी बैठेंगे, हमारे अधिकारी, जिला अधिकारी या इनके जो द्वारा जो भी रहेंगे, सब लोगों आपस में चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद में इस मैटर को सुलझाया जाएगा और संभवतः ये सारा मामला निस्तारण कर दिया जाएगा और जो भी होगा किसानों के हक में होगा। किसानों ने, जो किराकत के किसान आए थे, हमारी उनसे जब बात हुई है आपकी जनता दरबार में ही, तो उन्होंने कहा कि SDM और तहसीलदार वगैरह SDM धमका रहे थे, जेल भेजने की बात कर रहे थे, लेकिन वो मामला जब आपके संज्ञान में आया और आपने जब अधिकारियों को बोला तो वो लोग रो रहे थे, मेरे कैमरे के सामने रो रहे थे कि अगर आज BP सरोज जैसे सांसद नहीं होते तो हम लोग जेल की सलाखों में होते। नहीं, ऐसी बात तो जो है जब मैंने सुना, पता नहीं SDM ऐसा, मुझको तो नहीं लगता कि ऐसा किसी किसान को कोई कहेगा कि आप जेल में, किसान क्या गलती कर रहे हैं भाई, वो अपनी जमीन का मुआवजा मांग रहे हैं और मुआवजा मांगना उनका अधिकार है। तो सरकार चाहती भी है कि हमारे किसानों को, जो पूरे क्षेत्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों का हमेशा जो है सम्मान करते हुए उनको जो है कैसे जो है वो आगे बढ़े उनकी चिंता कर रही है, हमारे चाहे SOC प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सब लोग बेहतर काम कर रहे हैं और किसान को कहीं से भी कोई तकलीफ ना हो इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। अधिकारी ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा मेरा मानना है, अगर कहे होंगे तो गलत किए जी। धन्यवाद। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ नीति का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रमाणिकता है।